हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और कटहल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कटहल की सब्जी। ये सब्जी जो है थोड़ी सी ड्राई बनती है और सिंपल आप इसे दाल चावल के साथ या रोटी या पराठे किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मैंने एक और कटहल की सब्ज़ी मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैं उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में दे दूँगी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी, आप उसे जाके ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर वो सब्ज़ी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ गरम मसाले लिए हुए हैं। ये जो गरम मसाले की रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसको इसमें ज़रूर इस सब्ज़ी में डालिएगा और बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप चाहे तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 सूखी लाल मिर्ची, जावित्री एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है, ये जायफल है, जायफल मैंने ये इस तरीके से थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है, 2 दालचीनी, 6 पीस इलायची छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है काली मिर्ची और 2 तेज़पत्ता। साथ ही में मैंने यहाँ पे कटहल जो है बॉईल करके रखा है, ये 1/2 kg कटहल है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसे बॉईल किया है। ऑयल लेंगे हम, ऑयल जो है कोई भी हम कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं थोड़ा सा तेल जो है ज़्यादा लगता है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ 4 टेबलस्पून तेल। और हींग हम लेंगे 1/3 टीस्पून। यहाँ पे मैंने 3 प्याज काट के रखे हैं, एकदम बारीक प्याज हैं ये, मैंने इस तरीके से कट किया हुआ है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया हुआ है धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, शक्कर हम लेंगे ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 बड़ा टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है 1 बड़ा टेबलस्पून। इस तरीके से मैंने कटहल के पीसेस को कट किया हुआ है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ इडली मेकर में कटहल को। आप चाहें तो कुकर के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं। और मैंने ये एक छन्नी जैसा एक बर्तन ले लिया है जिसके अंदर ये कटहल रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टीम करते हैं। अब इस तरीके से मैंने लिड लगा दिया है और कम से कम हम इसे बॉईल करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरीके से, जब तक जो कटहल है एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको रख के बॉईल करना है। सबसे पहले इन सारे जो सूखे मसाले हैं इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ एक पैन मैंने चढ़ा दिया और ये गर्म हो गया है और इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल देती हूँ। और जो सूखी लाल मिर्ची है मैं इस तरीके से तोड़ के डाल रही हूँ और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को आप रोस्ट कर लें। खुशबू आ रही है, हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे मैं एक अलग इस तरीके से बर्तन में निकाल देंगे और बिल्कुल ठंडा करना है हमें इसे, और उसके बाद ही हम इसको मिक्सी में बिल्कुल फाइन पाउडर बनाएंगे। सारे मसाले जो हैं अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और अब हम इसे फाइन एक पाउडर बना लेते हैं इसका। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए कितने अच्छे से इसका फाइन पाउडर बन गया है और इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स। आप इस मसाले को ज़रूर से सब्ज़ी में डालिएगा। आप चाहे तो कोई भी नॉनवेज रेसिपी में भी इस मसाले को डाल सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप इसको बना के रख सकते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पैन में तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी शक्कर। मैंने मेरे किचन वीडियो टिप्स में भी बताया था फ्रेंड्स कि कोई भी हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ भी अच्छा जो हम बनाते हैं ऐसे जिसमें कलर थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें, तो उसमें आप ऑयल में सबसे पहले शक्कर डाल दीजिए और हल्का सा मेल्ट होने का इसे आप वेट कीजिएगा। और इसके बाद ही जो भी हम प्याज अदरक लहसुन जो भी फ्राई करते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारी जो सब्ज़ी में है बहुत अच्छा एक कलर आता है और टेस्ट भी बहुत ही अलग आता है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा आप देख सकते हैं शक्कर जो है मेल्ट हो रही है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, साथ ही में मैं इसमें दे दूँगी हींग। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सारी चीज़ों को और प्याज को जो है हमें एकदम लाइट ब्राउन होने तक का फ्राई करना है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें हमें ज़रूरी है कि प्याज जो है अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक का फ्राई हो जाए।
प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है। अब इसके अंदर हम सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मिक्स कर लें सारी चीज़ों को अच्छे से। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, एक बड़ा टेबल स्पून, ताकि जो मसाले हैं वो हमारे जले नहीं और अच्छे से एक जो रॉ स्मेल है मसाले की वो चली जाए। तब तक आप फ्राई कर लीजिए इसे। मसाला भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ये जली हुई कटहल है ये हम ऐड करेंगे। सर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। जो हमने ये जो मसाला बना के रखा हुआ है उसका मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब एक टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करके हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे जब तक जो कटहल है हमारी अच्छी तरीके से गल ना जाए। लिड लगा के बर्तन का आप कटहल को अच्छी तरीके से बिल्कुल गलने तक का, सॉफ्ट होने तक का पका लीजिए और बीच बीच में आप इसे मिक्स भी ज़रूर करते रहिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी रेडी हुई है कि नहीं। बहुत ही अच्छा कलर आया है सब्ज़ी में, मिक्स करके देख लेते हैं। बहुत अच्छे से पक गई है ये जो कटहल है। और एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप ये सब्ज़ी को मिक्स मत कीजिएगा जो कटहल है, नहीं तो टूट जाएगी। और लास्ट में बस इसमें हमें इसे हरी धनिया ऐड करना है। बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी सब्ज़ी, अब हम इसे सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स ज़रूर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी।